हेलो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन आर। अभी तक के पिछले कुछ वीडियो में हमने आर को कैसे डाउनलोड करते हैं, इंटरफेस क्या है, फाइल को कैसे इंपोर्ट करते हैं और वेरिएबल्स क्या हैं और टेम्परेरी वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं, इनके बारे में बात की थी। ये टेबल मैं बहुत सारी वर्कशॉप्स में डिस्कस कर चुका हूँ, यूनिवेरिएट बायवेरिएट की। ऐसी एक टेबल थर्ड मल्टीवेरिएट के बारे में भी है, तो आज हम डिस्कस करते हैं यूनिवेरिएट। जब हमारे पास एक वेरिएबल हो और हमारा डाटा मीट्रिक हो, ऊपर नॉन मीट्रिक क्यों लिख दिया मैंने, एक वेरिएबल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अगर हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि मीट्रिक है, तब हम इस पे क्या कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। मेरे पास एक वेरिएबल लाइक इंग्लिश है, लाइक हिंदी है, मैथ है, इन पे हम क्या कर सकते हैं, तो इस पे जो है हमारे पास मीन, मीडियन, एक्सेट्रा, सिग्मा, ये निकाल सकते हैं। तो ये इसको हम साथ साथ देख लें। मान लीजिए मैं अभी इंग्लिश को ले लेता हूँ। इंग्लिश के लिए एक तो तरीका, ENG लिखते हैं आप तो ये पूरे आपको वैल्यूज दे देता है एक साथ, ओके। और अगर इसके आगे हम मीन लिख दें, मीन एज, एज तो नहीं होगा, इंग्लिश होगा, मीन ऑफ इंग्लिश 70 आ गया। मीन के साथ हम एक चीज होती है ट्रिम्ड मीन निकालना, आउटलायर है या नहीं उसको देखने के लिए। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, मीन कॉमा ट्रिम इक्वल टू जो भी आपको चाहिए, लाइक मैं 0.1 पे कर देता हूँ, 10% 5% ऑन ईच साइड, ये 70.55 आ गया। अगर दोनों में बहुत हाई डिफरेंस है इसका मतलब आउटलायर हो सकता है, ओके। अगर मीडियन निकालना हो तो मीडियन ऑफ ENG, ये मीडियन आ गया 71, स्टैंडर्ड डेविएशन SD और ENG स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। मीन है मेरा 70, स्टैंडर्ड डेविएशन है 12, ऑलमोस्ट गुड, 1/4 से 1/5 के करीब होना चाहिए। वेरिएंस निकालना हो तो VAR 155। वेरिएंस हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं अपना X SD को, X इज इक्वल टू दिस। ये मैं कैसे कर रहा हूँ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अपवर्ड एरो प्रेस करें, ये पिछली सारी कमांड्स याद रखता है, राइट। इसमें से नीचे की भी कमांड याद रखता है, ये कमांड थी। बजाय मैं इसको दोबारा टाइप करूं, मैंने इसको अपवर्ड डाउनवर्ड की से ले लिया। होम प्रेस करें, अब शुरू में आ जाते हैं, एक्स इक्वल टू, ये मेरा बन गया एक्स, एक वैल्यू आ गई, और एक्स कैप टू, ये देखिए 155 इसका वेरिएंस आ गया, ठीक है, चेक हो गया। और क्या निकाल सकते हैं इसमें हम, मैक्समिन बिल्कुल निकाल सकते हैं, ENG की मैक्सिमम वैल्यू है 90, मीन वैल्यू है इसकी 51, ठीक है, वो तो हम, अच्छा यहाँ से चेक नहीं हुई थी, ये भी निकाल सकते हैं। क्या हम इसमें रेंज भी निकाल सकते हैं, रेंज ऑफ ENG, तो इसने कहा हाँ जी 50 से 90 के बीच है डाटा, ग्रेटर एनफ। और क्या कर सकते हैं, क्या इसमें हम वो परसेंटाइल्स वगैरह निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल, QUAN क्वांटाइल ENG, इसने कहा हाँ जी 25% पे 59 है, 50% पे जो कि मीडियम था 71 है, 75% थर्ड ये है, मिनिमम 0 विंस मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 90 है क्वांटाइल के सारे। अच्छा, इस डाटा को लेके कैसे चलते हैं वहाँ पे, तो हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, कॉपी, MS Word खोलें, उसके अंदर पेस्ट कर दें। जनरली आर के आउटपुट में लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बना के पेस्ट कर देते हैं, नहीं तो आप सिंपल पेस्ट कर दें, ये भी चलेगा ऐसा। तो आप इससे ज़्यादा को अगर उठाना चाहें, ये सारे भी ले सकते हैं, लाइक ऐसे भी कर सकते हैं, खैर आप सिंपल वैल्यू भी लिख सकते हैं। आगे जो आएंगे वो थोड़ा सा टेबलर फॉर्मेट में आएगा, पर हाँ ये MS Word की तरह, MS Excel या SPSS की तरह वैसा स्ट्रक्चर्ड आउटपुट नहीं देता, इसका आउटपुट मोर ऑफ टेक्सचुअल फॉर्म में ही रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं हमारे मीट्रिक डाटा के साथ, रिमूव कर दें Ctrl+L। नॉन मीट्रिक डाटा पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है नॉन मीट्रिक डाटा पे काउंट या परसेंटेज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास है नॉन मीट्रिक एज और सेक्स और रेजिडेंस, ओके। तो समरी हम ऐसे निकाल सकते हैं, एज सेक्स अलग अलग करके, नहीं ये कह रहे हैं ऐसे नहीं, आप या तो ऐसे कर लीजिए समरी ऑफ एज अलग अलग, या हमने एक पिछली बार देखा था, एक हमारे पास इंस्टेंट तरीका है, ऑल इज इक्वल टू डाटा डॉट फ्रेम
इसमें हम तीनों को इकट्ठा ले सकते हैं, एज, सेक्स, रेजिडेंस, और कोई हमारा एज है फैक्टर है एक, सेक्स है, रेजिडेंस है, तीन ही है हमारे, और जेन तो हमारा वैसे आ रहा है इसका 76। अच्छा, एक तो हमने नेम्स का ही कर दिया था जेन को। ओके, ऑल बन गया। अब समरी के अंदर हम ऑल कर दें, इससे सारे एक साथ आ जाते हैं, और इस चीज को कॉपी एमएस वर्ड के अंदर पेस्ट, इस टाइप से डाटा आ जाएगा, राइट। आई नो बहुत अगर आप SPSS या इनके यूजर हैं तो आपको हर चीज बहुत स्ट्रक्चर्ड देखने की शायद आदत होगी, पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, याद रखिए। और परसेंटेज बाकी, अब इसमें ये आपको लग रहा होगा तो बड़ा थोड़ा सा ही है, इसमें एक चीज बहुत शानदार है, वो है ग्राफिकल प्लॉट्स। तो पहले मैं एक बार यूनिवेरिएट बाइवेरिएट कवर करूंगा, फिर मैं वापस आता हूँ ग्राफ्स के ऊपर। बहुत शानदार और बहुत वैरायटी ऑफ ग्राफ इसमें बनते हैं। तो यूनिवेरिएट के लिए इतना ही, थैंक यू।